हेलो एवरीवन, दिस इज आकांक्षा और हम आज डिस्कस करने वाले हैं एक पजल और एक सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में। कैसा सिटिंग अरेंजमेंट है? ये आपका एक लीनियर ट्रैक का सिटिंग अरेंजमेंट है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सिटिंग अरेंजमेंट तो मैं आपको देने वाली हूँ नहीं। तो यहाँ पे आपको केवल सिटिंग नहीं करना होगा, बल्कि उससे जुड़ी हुई, उसके साथ एक एडिशनल वेरिएबल, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन को सिंप्लीफाई करना होगा। एंड आप जो एक पजल सिंप्लीफाई करेंगे, ऑब्वियसली सिर्फ एक पैरामीटर की नहीं होगी, कम से कम एक पैरामीटर तो आपके पास और होगा, मीन्स दो वेरिएबल तो होने ही चाहिए। और ये जो मैं आपको लेवल डिस्कस कराने वाली हूँ, ये आपका SBI क्लर्क प्री लेवल है, ठीक है। चलिए आते हैं सबसे पहले सवाल पे। तो यहाँ पे आपको हिंट में क्या कहा गया है, देयर आर टोटल 10% डिवाइडेड इन टू ग्रुप्स। टोटल कितने लोग हैं? 10 लोग हैं। कितने ग्रुप में बटे हैं? दो ग्रुप में बटे हैं। इन ईच ग्रुप देर इज इक्वल नंबर ऑफ पर्सन। हर ग्रुप में बराबर बराबर लोग हैं, ठीक है। अच्छा, 10 लोग हैं और बराबर बराबर में डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब क्लियर बात है कि यहाँ पे हर ग्रुप में कितने मेंबर हैं आपके पास? 5 मेंबर हैं, ठीक है। दे सिट इन टू रोज वाइल दे आर इन अ मीटिंग। ये लोग दो रो में बैठे हैं मीटिंग के समय पे। वन ग्रुप फेसेस नॉर्थ वाइल अदर ग्रुप फेसेस साउथ। इनमें से आपका एक ग्रुप ऐसा है जो नॉर्थ फेसिंग है और एक ग्रुप ऐसा है जो आपका साउथ फेसिंग है, ओके। एक इन्फॉर्मेशन आपको और बताई गई है, इन ग्रुप वन देयर आर 5 पर्सन। चलो, एक बेनिफिट था, एक एडेड एडवांटेज है कि यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि ग्रुप वन में वो 5 पर्सन है कौन कौन से, और वो 5 लोग हैं ABCDE। और ग्रुप टू में भी 5 लोग हैं और वो 5 लोग हैं PQRST। All of them like different color, मतलब इन 10 के 10 पर्सन को अलग अलग कलर पसंद है। कलर आपके पास रेड, ब्लैक, ग्रीन, ब्लू है ना, एटसेट्रा, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। ये आपका था इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। अब इस इंट्रोडक्शन पैरा के बाद आपकी शुरू हो रही है कोर हिंट। कोर हिंट क्या कह रही है, चलिए समझते हैं। पी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू। क्यू के थर्ड राइट पे पी का अरेंजमेंट करना है, ओके। इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू फेसेस द पर्सन हु लाइक पिंक कलर। क्यू का जो पड़ोसी है वो उसके सामने है जिसका फेवरेट कलर क्या है, पिंक है, ओके। देयर इज अ गैप ऑफ 2 पर्सन बिटवीन द पर्सन हु लाइक पिंक एंड रेड कलर। जिसका फेवरेट कलर पिंक है और रेड है, इनके बीच में 2 पर्सन का गैप है। देयर इज ओनली 1 पर्सन That's it between R and S. R और S के बीच में बैठने के लिए सिर्फ एक ही पर्सन है। अगली इंफॉर्मेशन, R does not like red color. R का फेवरेट कलर रेड नहीं है। एक और जानकारी इसी R से जुड़ी है, क्या? And R does not face the person who likes red color. R को रेड कलर नहीं पसंद है, एंड मोर ओवर R उसके सामने भी नहीं है जिसका फेवरेट कलर रेड है, ओके। T does not face the person who likes red color. T उसके सामने भी नहीं आएगा जिसका favorite color red है, ठीक है। Immediate neighbor of P. P का जो immediate neighbor, मतलब पड़ोसी है, P का जो पड़ोसी है faces the person who likes blue color. वो उस person के सामने है जिसका favorite color क्या है, blue है। E likes blue color. Okay, यहाँ पे एक अच्छी information आई है हमारे पास definite के track पे। E का favorite color क्या हो रहा है, blue हो रहा है। There is only 1 person between E and the person who likes black color. जो E है और जिसका favorite color black है, उसके बीच में केवल एक ही person को arrange करना है, okay? The person who likes white color faces the person who likes green color. White और green जिनके favorite color हैं, ये आमने सामने होंगे। There is gap of 2 person between the person who likes white and yellow color. जिनके बीच में 2 person, देर इज अ गैप ऑफ 2 पर्सन जिनके बीच में 2 पर्सन का गैप है, और उनके दोनों के कलर कौन कौन से, एक का फेवरेट कलर व्हाइट है और एक का फेवरेट कलर येलो है। इन दोनों के बीच में 2 पर्सन का गैप होने वाला है। द पर्सन हु लाइक्स वायलेट कलर इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन हु लाइक्स वाइट कलर। जिसका फेवरेट कलर वायलेट होगा, वो जिसका फेवरेट कलर व्हाइट होगा, उसका तत्काल पड़ोसी नहीं होने वाला है। A likes red color. A का फेवरेट कलर रेड है, एंड सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ D, और वो D के थर्ड लेफ्ट में है। B does not like black color. B का फेवरेट कलर ब्लैक नहीं है, एंड R likes brown color, और R का फेवरेट कलर कौन सा हो रहा है, ब्राउन हो रहा है।
चलिए इसी हिंट के साथ, अब सबसे पहले तो मैं आपको ये चाहूंगी, मैंने यहाँ पे आपको हिंट हिंदी में भी बता दी है, आप एक काम, इनिशियल काम ये कर सकते हैं, सबसे पहले वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और इस सवाल को एक बार खुद अटेम्प्ट करिएगा, और अटेम्प्ट करने के बाद चेक करिएगा क्या यहाँ पे दो पॉसिबल केस आ रहे हैं, और मेरे हिसाब से वो जो दो केसेस आ रहे हैं वो एंड तक सर्वाइव भी करेंगे। चलिए फिलहाल हम अभी चेक कर लेंगे कि वाकई में ऐसा हो रहा है या इनमें से एक केस आपकी कैंसिल आउट हो रहा है। देखो यहाँ पे सबसे बड़ी एक ट्रेजेडी ये भी है, इन्होंने किसी का भी स्ट्रिक्टली ये नहीं बताया है, जैसे इन्होंने क्या बताया, एक ग्रुप नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है, एक ग्रुप साउथ की तरफ फेस कर रहा है। अगर आप इंट्रोडक्शन पैराग्राफ को ध्यान से देखो तो क्या बताया था, एक ग्रुप नॉर्थ की तरफ फेसिंग है और एक ग्रुप साउथ की तरफ फेसिंग है, लेकिन क्या ये बताया है कि कौन सा ग्रुप है जो नॉर्थ फेसिंग है और कौन सा ग्रुप है जो साउथ फेसिंग है, इस बारे में आपको कहीं पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। इसी हिंट के चलते यहाँ पे दो केसेस जनरेट होंगे। आई होप आपने आंसर अब निकाल ही लिया होगा। चलिए फिर आते हैं बोर्ड की तरफ और देखते हैं इस सवाल का सलूशन क्या होगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे आपके दो ग्रुप बन रहे हैं, एक ग्रुप वन है एक ग्रुप टू है, ठीक है, दोनों में पांच पांच मेंबर हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि ग्रुप वन नॉर्थ फेसिंग है या ग्रुप टू नॉर्थ फेसिंग है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे अज्यूम करूँ तो ये जो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ ही अपने आप में दो केस जनरेट कर रहा है, ठीक है। कैसे दो जी, एक में मैंने मान लिया कि ग्रुप वन, सपोज कर लिया कि ये है ग्रुप वन, ठीक, और ग्रुप वन में मेंबर कौन कौन से हैं आपके पास, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, ये आ गए ग्रुप वन में। दूसरा मैंने ये सपोज कर लिया ग्रुप टू है और ग्रुप टू में मेंबर पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी। तो इसके केस के हिसाब से मैंने अज्यूम किया कि ग्रुप टू नॉर्थ फेसिंग है और ग्रुप वन साउथ फेसिंग है, लेकिन कहाँ से पता, नहीं पता है इसके बारे में। तो क्या मैं सिर्फ इसी एक अरेंजमेंट पे कॉन्फिडेंट हो पाऊंगी, आंसर इज नो, मैं सिर्फ इस एक अरेंजमेंट को ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर सकती हूँ, मुझे दूसरा केस भी कंसिडर करना पड़ेगा। सेकेंड केस में मैंने अज्यूम किया कि ये जो पी क्यू आर एस टी हैं ये साउथ फेसिंग है और ये जो ए बी सी डी ई है ये सारे के सारे नॉर्थ फेसिंग हो जाएंगे। अरेंजमेंट मैं कुछ ऐसा कंसिडर करूंगी कि दोनों में कंसिडर करना है मुझे जो भी हिंट आ रही है। एक चीज, दो पॉसिबल केस जनरेट हो रहा है इंट्रोडक्शन पैराग्राफ की वजह से, क्योंकि मुझे क्लियर डायरेक्शन किसी के भी पॉइंट ऑफ व्यू पे नहीं मिल रहा है, फर्स्ट, ओके, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज दिस, वी हैव एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन एंड दैट इज ऑफ कलर्स, हमारे पास एक जानकारी और है जो कि किससे जुड़ी हुई है, कलर से जुड़ी हुई है। चलिए शुरुआत करते हैं। द फर्स्ट हिंट सेज P sits third to the right of Q. I guess इसको हम बना सकते हैं because they are clearly giving you direction. P sits third to the right of Q. So let's initiate with that hint. P sits third to the right of Q. Q के third right में P को consider करना है. So क्योंकि ये north facing है, so first, second, third. ठीक है? P sits third to the right of Q. इसके हिसाब से तो ये आ गया. अब अगर ये person ऐसे हैं तो इनके सामने ये member ऐसे आ जाएंगे. मतलब मैंने चार लोगों का प्लेसमेंट डिसाइड कर लिया और लेकिन है कितने, पांच। अब वो बचा एक मेंबर इधर से भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट। सो अब नाउ आई एम नॉट इन फेवर दैट आई विल स्किप टू फर्दर पॉसिबिलिटीज। चाहे तो ये भी कर सकते हैं कि अगर आपको जो हिंट मिल रही है कि इसके पड़ोसी के सामने, तो एक में पड़ोसी इसको कंसिडर कर लीजिए, एक में इसको कंसिडर कर लीजिए, बट थोड़ा सा फिर हम सवाल को लेंदी बना देंगे। कैसे, अगर मैंने इसके हिसाब से दो पॉसिबल केस कंसिडर कर लिया तो इसके हिसाब से भी दो मुझे केस कंसिडर करने पड़ेंगे, और अगर मैंने इसके हिसाब से भी कंसिडर कर लिया तो पॉसिबल डायग्राम का आइडिया है आपको, चार हो जाएंगे आपके पास, एक इस डायग्राम के हिसाब से, एक इसका सब पार्ट, एक ये और एक इसका सब पार्ट, तो टोटल फोर केसेस। एंड आई डोंट थिंक कि हम ये एक स्मार्ट डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है, दो तो एज्यूम करने ही पड़ेंगे जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड, बिकॉज कई बार सवाल ऐसे भी हो जाते हैं जिनमें दो का दोनों सर्वाइवल हो जाए, एंड स्पेशली इन सच केसेस जब मुझे डायरेक्शन ही नहीं क्लियरली बताया जाता है, तो यहाँ पे इनकी गुंजाइश है, लेकिन ये गुंजाइश कहीं से नहीं बनती है कि चारों केसेस एंड तक सर्वाइव कर जाए, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। तो जब जो चीज़ मुमकिन ही नहीं, उसे हम पॉसिबल क्यों, उसे हम एज्यूम भी क्यों करेंगे, ओके okay?
Okay, so I'm going to consider the same thing, the same hint in this diagram also. And the hint was P sits third to the right of Q. Okay, Q ke first, second, third right pe P hai. इसमें मैंने कुछ इस तरह से अज्यूम कर लिया, तो इसके सामने वाले जो पर्सन होंगे वो ऐसे ही आने वाले हैं. ओके, यहाँ तक ये अरेंजमेंट बना. इसके बाद अगली हिंट क्या कह रही है, इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू फेसेस द पर्सन हु लाइक्स पिंक कलर. क्या आप जस्टिफाई कर सकते हैं इस हिंट को? आंसर इज नो, वी कांट जस्टिफाई दिस हिंट. सो बेटर टू प्रेफर इट विद द हेल्प ऑफ सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन. फिर हम इसे सिम्बॉलिकली फॉलो करेंगे. इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू मतलब Q का जो इमीडिएट नेबर है, मुझे नहीं पता कौन सा इमीडिएट नेबर है. एंड मोर ओवर मुझे डायरेक्शन भी नहीं पता, क्योंकि एक के हिसाब से तो Q नॉर्थ हो रहा है, फेसिंग हो रहा है, दूसरे के हिसाब से Q साउथ फेसिंग हो रहा है. ओके, इमीडिएट नेबर ऑफ Q फेसेस द पर्सन हु लाइक्स पिंक कलर. इसके जो सामने पर्सन है उसका फेवरेट कलर पिंक है, मैंने सिम्बॉलिकली लिख दिया. ठीक है, अगली हिंट टारगेट करते हैं. नेक्स्ट हिंट क्या कह रही है, देर इज अ गैप ऑफ 2% बिटवीन द पर्सन हु लाइक्स पिंक एंड रेड कलर. ओके, जिसका फेवरेट कलर पिंक है और जिसका फेवरेट कलर रेड है, उसके बीच में 2% का गैप है. ठीक है, देर इज अ गैप ऑफ 2% बिटवीन द पर्सन हु लाइक पिंक एंड रेड. जिसका फेवरेट कलर पिंक है और जिसका फेवरेट कलर रेड है, इसके बीच में 2% का गैप हो रहा है. ठीक, ओके, अभी मैं इसको भी जस्टिफाई नहीं कर सकती, सो बेटर कि राइट इट डाउन. ओके, लेट्स टारगेट द नेक्स्ट हिंट. अगली हिंट देखते हैं, देर इज ओनली 1% दैट सिट्स बिटवीन आर एंड एस. ओके, R और S के बीच में बैठने वाला पर्सन सिर्फ एक ही है. ओनली 1% सिट्स बिटवीन R एंड S. R डज नॉट लाइक रेड कलर. R का फेवरेट कलर रेड नहीं है. बट सिर्फ इतना ही नहीं, एक और है. एंड R डज नॉट फेस द पर्सन हु लाइक्स रेड कलर. मतलब R के सामने वाले जो पर्सन है उसका भी फेवरेट कलर रेड नहीं है. R का भी फेवरेट कलर रेड नहीं होना है और R के सामने वाले का भी फेवरेट कलर रेड नहीं होना है. ओके, लेट्स गो ऑन फॉर द नेक्स्ट हिंट. T does not face the person who likes red color. Okay, एक अगली information आ रही है कि red के सामने में आपको T भी नहीं रखना है. ठीक है, red के सामने में ना आप T को रख सकते हैं ना आप R को रख सकते हैं, दोनों cancelled out है. Okay, अगली information. T does not face the person who likes red color. Immediate neighbor of P. Immediate neighbor of P. अब ये यहाँ से कुछ जुड़ी बात हो रही है, Q से भी कुछ जुड़ी बात हो रही है, लेकिन फिर वही बात है कि हम इसे justify अभी नहीं कर पाएंगे. So better to write it down. इमीडिएट नेबर ऑफ P, P के पड़ोसी की बात हो रही है. पड़ोसी तो लेफ्ट में भी आ सकता है, राइट में भी आ सकता है, सो वी आर नॉट कॉन्फिडेंट. इमीडिएट नेबर ऑफ P फेसेस द पर्सन हु लाइक्स ब्लू कलर. इसके सामने वो पर्सन है जिसका फेवरेट कलर कौन सा हो रहा है, ब्लू हो रहा है. P के पड़ोसी के सामने ब्लू वाले पर्सन को बैठना है. ओके, बट इसके साथ एक डेफिनेट इंफॉर्मेशन और आ रही है, एंड दैट सेज E लाइक्स ब्लू कलर. E का फेवरेट कलर पता चल रहा है कि एक E का फेवरेट कलर क्या हो रहा है, ब्लू हो रहा है. ओके, अगली इंफॉर्मेशन, देर इज ओनली 1% बिटवीन E एंड द पर्सन हु लाइक्स ब्लैक कलर. ओके, E और जिसका फेवरेट कलर ब्लैक है, इसके बीच में केवल एक ही पर्सन को अरेंज करना है. E और जिसका फेवरेट कलर ब्लैक है, इनके बीच में केवल एक ही पर्सन को अरेंज करना है. ओके, अगली हिंट, द पर्सन हु लाइक्स वाइट कलर फेसेस द पर्सन हु लाइक्स ग्रीन कलर. इसका मतलब हुआ कि ये जो वाइट और ग्रीन हैं, ये आमने सामने अरेंज होंगे, लेकिन मुझे डायरेक्शन नहीं पता, इसलिए मैंने दो पैरेलल लाइन बना दी. पता नहीं कौन सा नॉर्थ में, कौन सा साउथ में है. ओके, अगली हिंट, देर इज अ गैप ऑफ 1% बिटवीन द पर्सन हु लाइक्स वाइट एंड येलो. सॉरी, देर इज अ गैप ऑफ 2% बिटवीन द पर्सन हु लाइक्स वाइट एंड येलो. ओके, व्हाइट और येलो के बीच में 2 लोगों का गैप होगा. ओके, वी रोट इट डाउन इन द फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन. अगेन हमें इसे सिंबॉलिकली लिखना पड़ेगा. अगली हिंट देखते हैं. अच्छा, वैसे अगर इस मोमेंट में आप चाहें ना, तो इनमें से कुछ हिंट को एज्यूम करके अभी आप सिंप्लीफाई कर भी सकते हैं. जैसे पी के पड़ोसी ई, और ई और ब्लैक से जुड़ी ये बात हो रही है. अगर आप चाहें तो आप सिंप्लीफाई कर भी सकते हैं, लेकिन अगर कॉन्फिडेंट नहीं है तो सारी हिंट को एक बार कलेक्ट कर लेते हैं, फिर शुरू करेंगे. लेट्स प्रोसीड ऑन विद द नेक्स्ट हिंट. देयर इज गैप ऑफ 2% बिटवीन द पर्सन हु लाइक्स व्हाइट एंड येलो. द पर्सन हु लाइक्स वायलेट कलर इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन हु लाइक्स व्हाइट कलर. अच्छा, विच मीन्स कि वाइट और वायलेट ये दोनों इमीडिएट नेबर नहीं होंगे. वाइट के बगल में वायलेट वाले पर्सन को नहीं आना है. ओके,
द वन हु लाइक्स व्हाइट कलर इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन. द वन हु लाइक्स वायलेट कलर इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन हु लाइक्स व्हाइट कलर. ओके, डन विद दैट. ए लाइक्स रेड कलर. चलो इसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन निकल के आई, एक क्लियर हिंट. ए का फेवरेट कलर कौन सा है? रेड है. और रेड से जुड़ी काफी स्टोरी आपके पास ऑलरेडी है, बट अभी कुछ हम कनेक्ट नहीं कर रहे हैं. लेट्स सी. ए लाइक्स रेड कलर एंड सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी. ए का फेवरेट कलर रेड है और ये डी के थर्ड लेफ्ट में है. ओके. बी डज नॉट लाइक ब्लैक कलर. आर लाइक्स ब्राउन कलर. एक काम करते हैं, क्योंकि ये लास्ट की हिंट है. एज देखो, सिम्बॉलिकली लिखने का पर्पज क्या होता है? सिम्बॉलिकली लिखने का एक सिंपल सा पर्पज है. अगर If we are not writing the given hint in the symbolical structure, and afterwards, if we want to connect with some of the hints which was dealing with yellow and white, or which was dealing with blue color, now I have to trace out that hint. I have to read that paragraph again. अगर अब मुझे ज़रूरत हुई कि मैं किसी hint को खोजूँ जो blue color से associated है, तो मुझे पूरी story दोबारा पढ़नी पड़ेगी, है ना? So इसीलिए हम लोग prefer करते हैं symbolically लिखना. लेकिन ये जो लास्ट की लाइन है, इसको क्यों सिम्बॉलिकली लिखना है? समय बचा लीजिए अपना. क्योंकि सिम्बॉलिकल, जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा, सिम्बॉलिकली लिखने का पर्पज़ ही होता है कि कहीं हिंट खो ना जाए और हमें दोबारा ज़रूरत महसूस हो तो हम स्ट्रगल करेंगे खोजने में. बट जब हिंट ऑलरेडी लास्ट में मेंशन है तो वो खोएगी कहाँ? आप जब चाहें तो आप लास्ट की दो लाइन तीन लाइन इजीली पढ़ सकते हैं, तो उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है सिम्बॉलिकली. ओके, सो जस्ट लीव दैट. ओके, चलिए बात आती है इन्हें कनेक्ट करने की. कनेक्ट करने के लिए एक चीज़ है, पी का पड़ोसी के सामने ब्लू है. ओके, अगर मैंने अज्यूम कर लिया पी के पड़ोसी के सामने, पी का पड़ोसी तो ये भी हो सकता है और ये एक अगला मेंबर भी हो सकता है, तो चलो एक काम करते हैं. हालांकि अज्यूम करने के लिए जब भी कभी अगर रियल एग्जामिनेशन हॉल में, तो अज्यूम करने के लिए अटेम्प्ट मत करिएगा, मेंटली अज्यूम करिएगा. ठीक है, मतलब आपको सिर्फ सोचना है, सिर्फ थॉट प्रोसेसिंग करनी है. लेकिन मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसलिए मैं लिखा के भी दिखा दे रही हूँ, ताकि आप कन्विंस हो जाओ कि ये कैंसिल क्यों हो रहा है. ओके, चलो देखते हैं. पी के पड़ोसी के सामने, पी के पड़ोसी, अब एक पड़ोसी तो ये भी हो सकते हैं, एक पड़ोसी तो ये भी हो सकते हैं, चलो माना ये पड़ोसी है. पी के पड़ोसी के सामने ब्लू है, चलो सपोज कर लिया ये आ गया ब्लू. तो अगर मैंने इसको पड़ोसी अज्यूम कर लिया, तो एक दो तीन चार पाँच, अब यहाँ से एक और आने वाला मेंबर की गुंजाइश ख़त्म. और यहाँ पे एक हिंट दी कि क्यू के पड़ोसी के सामने पिंक है. क्यू के पड़ोसी तो यही एक पड़ोसी बचा ना, क्योंकि टोटल मेंबर थे कितने? फाइव थे. अगर सिक्स होते तो अभी एक गुंजाइश और थी कि एक मेंबर हो सकता है इधर आ जाए और इधर भी आ जाए. बट राइट नाउ इन द गिवन क्वेश्चन द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स आर फाइव ओनली. और जब पांच ही मेंबर हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि अब ये एंड पे आ गया. अब क्या कह रहे हैं? क्योंकि पड़ोसी के सामने पिंक है, तो अल्टीमेटली यहीं पर पिंक को आना होगा. ओके, अब एक चीज और देखिए. अगर आपने यहाँ पे पिंक लिख रखा है, तो क्या है? पिंक और रेड के बीच में दो पर्सन का गैप जनरेट करना है. देखो पिंक से जुड़ी ये इन्फॉर्मेशन क्या कह रही है, पिंक और रेड के बीच में दो पर्सन का गैप. अगर मैंने पिंक को यहाँ प्लेस किया, अगर क्या, अगर मैंने ब्लू को यहाँ प्लेस किया तो पिंक के लिए जगह ही यही बच रही है, और मैंने पिंक को यहाँ रखा तो पिंक और रेड के बीच में दो गैप. अल्टीमेटली इधर तो मेरे पास मार्जिन ही नहीं बचा, क्योंकि क्यू एक्सट्रीम एंड पे आ गया, तो दो पर्सन का गैप रेड. इज इट पॉसिबल? आंसर इज नो, इट इज नॉट पॉसिबल. ये मुमकिन नहीं है, विच मीन्स कि ये जो पी का पड़ोसी का फेवरेट कलर, पी के पड़ोसी के सामने वाले का फेवरेट कलर ब्लू है, वो इस कॉर्नर की बात नहीं हो रही थी, वो इस एंड की बात हो रही है. हम डेफिनेट हो गए, श्योर हो गए इस मुद्दे पे. सो पी के पड़ोसी मतलब इस मेंबर की बात है, इसके सामने वाले का फेवरेट कलर कौन सा हो रहा है? ब्लू. और ब्लू फेवरेट कलर है किसका? ई का है. ओके, यू आर डन विद दैट. अब अगर आपने यहाँ पे ई को लिख लिया, तो देखो ई से जुड़ी क्या हिंट है, ई और ब्लैक के बीच में एक पर्सन का गैप है. ठीक है, ई और ब्लैक के बीच में एक पर्सन का गैप है. चलो फिर से एज्यूम कर दो जरा एक बार, ई और ब्लैक के बीच में अगर एक पर्सन का गैप है, सपोज करो ये एक पर्सन का गैप रख के मैंने ब्लैक को यहाँ एज्यूम कर लिया. ठीक, ये एक पर्सन का गैप रख के मैंने ब्लैक को यहाँ एज्यूम किया. फिर अगर मैंने ब्लैक को यहाँ एज्यूम किया, तो मतलब क्यू एक्सट्रीम एंड पे हो चुका. फैक्ट है, क्यों? क्योंकि पर्सन कितने हैं? पांच ही हैं. तो एक दो तीन चार पांच, मतलब क्यू एंड पे आया. क्यू एंड पे आया तो क्यू के पड़ोसी के सामने पिंक है, तो फिर पिंक यहाँ आया. और अगर पिंक यहाँ आ गया, तो पिंक और रेड के बीच में दो का गैप है, तो फिर दो का गैप रेड. मुमकिन है,
अगेन नो, इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल. मतलब ये जो ई और ब्लैक के बीच में एक का गैप था, वो आप इस तरफ नहीं जा सकते, आपको इस हैंड साइड पे आना होगा, विच मीन्स कि यहाँ पे आ रहा है ब्लैक कलर. यहाँ पे आया कि नहीं ब्लैक कलर? अब अगर मैंने ब्लैक कलर को यहाँ पे प्लेस कर दिया, ठीक है, अब इसी के साथ फिर से एज्यूम कर लो ये क्या हिंट कह रही थी. अच्छा, एक चीज़ और, एक काम और कर सकते हैं, इस पे एक पॉज लेते हुए अब यही जरा सेम केस जिसको हमने यहाँ पे एज्यूम किया, यही सेम चीज़ जरा एक बार यहाँ एज्यूम करते हैं. ठीक है, काफ़ी हद तक काम आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा. यहाँ पे हमें पता चल रहा है एक्सट्रीम एंड ये बन रहा है या ये बन रहा है, लेकिन उस पर कंक्लूड करने से पहले एक बार इस पर आ जाते हैं. ठीक है, ओके. अच्छा, आप एक चीज़ और ये भी यहाँ पे सोच सकते थे, जैसे अभी अगर इस केस में अभी आप सोचना चाहें, जैसा कि मैंने आपसे कहा, अभी आप डिसाइड कर सकते हो कौन सा एक्सट्रीम एंड पे है. कैसे डिसाइड कर पाओगे? अगर आप ये इस हिंट को ग्रैब करो, क्यू के पड़ोसी के सामने पिंक है, अगर पिंक यहाँ रखा और अगर पिंक यहाँ रखा, किसके साथ केस बन पा रहा है? आप एज्यूम करके आंसर दे सकते हैं कि एक्सट्रीम कॉर्नर पे कौन हो रहा है. ठीक है, बट उसको एज्यूम करने से पहले एक बार यही सारी हिंट को यहाँ भी जस्टिफाई कर लेते हैं. लेट्स सी. चलिए, क्या हिंट थी? कि पी के पड़ोसी के सामने, मान लो मैंने एज्यूम कर लिया कि ये हो गया जिसके पड़ोसी की बात हो रही है, पी के पड़ोसी के सामने वो पर्सन है जिसका फेवरेट कलर ब्लू है, और अगर इनका फेवरेट कलर ब्लू हो गया तो ये पर्सन कौन है? ई है. अगर मैंने ई को यहां रख दिया तो ई और ब्लैक के बीच में एक पर्सन का गैप है, तो यहां पे आ गया ब्लैक. और फिर क्यू एक एक्सट्रीम एंड पे चला गया. कैसे चला गया? सेम चीज, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए? 5. मतलब क्यू एक्सट्रीम एंड पे जा चुका है. तो अगर क्यू एक्सट्रीम एंड पे चला गया तो क्यू के पड़ोसी के सामने पिंक है. अब मैं ये पड़ोसी तो सोच नहीं सकती, क्यू के पड़ोसी के सामने पिंक, और अगर मैंने पिंक यहां पे प्लेस कर दिया तो पिंक और रेड के बीच में 2 का गैप, 1-2 रेड रख पाएंगे क्या हम? नहीं रख सकते. सो पी के पड़ोसी के सामने ब्लू है, मतलब वो इस एंड पे नहीं आ सकता है, उसे कहीं ना कहीं इनवर्ड ही आना है, विच मीन्स ये आ गया पर्सन ई, इसके साथ जुड़ा हुआ कलर हो गया ब्लू. अब फिर इसी हिंट को फिर से आ जाइए, ई और ब्लैक के बीच में एक पर्सन का गैप है, अगर आपने ई को यहाँ एज्यूम करा, ठीक है, और सपोज करते हैं अगर आपने ब्लैक को यहाँ पे एज्यूम कर लिया, सपोज करो अगर आपने ई और ब्लैक के बीच में एक पर्सन का गैप रखने के लिए ब्लैक को इस लेफ्ट हैंड साइड पर रख दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड पर रख लिया तो 1, 2, 3, 4, 5 5 लोग हो गए. 5 लोग हो गए मतलब क्यू एक्सट्रीम एंड पे चला गया, और जब क्यू एक्सट्रीम एंड के चला गया तो फिर से यही हिंट, क्यू के पड़ोसी के सामने पिंक है, तो इधर तो हम सोच नहीं पाएंगे, नहीं तो पर्सन 6 हो जाएंगे, तो हमें फिर से इनवर्ड सोचना पड़ेगा. क्यू के पड़ोसी के सामने पिंक, क्यू के पड़ोसी के सामने पिंक, और अगर पिंक यहां रख दिया, अगेन सेम थिंग, पिंक और रेड के बीच में 2 का गैप, रेड के लिए जगह है? नहीं है. सो क्या ई और ब्लैक को हम इस साइड एज्यूम करेंगे? नहीं कर सकते, विच मीन्स कि ये हो गया पर्सन क्यू के सामने वाला जिसका फेवरेट कलर क्या हो रहा है? ब्लैक. ठीक है, दोनों हिंट को सेम जगह में हमने एज्यूम कर लिया. अब इसी के साथ फिर इसी हिंट पे आते हैं, इसी हिंट, क्यू के पड़ोसी के सामने पिंक है, और खाली ये हिंट नहीं, इन दोनों को एक साथ एज्यूम करिएगा, पिंक और रेड भी. ठीक है, क्या हिंट है? क्यू के पड़ोसी के सामने पिंक है, अगर मैंने सपोज किया कि पिंक मैंने यहां पे प्लेस कर दिया, लेट्स सपोज अगर मैंने पिंक को यहाँ पे प्लेस करा, क्योंकि पड़ोसी के सामने पिंक, मैंने इस पड़ोसी को एज्यूम किया कि ये पिंक हो गया, तो पिंक और रेड के बीच में 2 का गैप, अल्टीमेटली मैं इधर तो जा ही नहीं पाऊंगी, है ना, तो पिंक और रेड के बीच में 2 का गैप, तो 1-2 इसको रेड होना चाहिए, लेकिन वो तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, विच मीन्स क्योंकि इस पड़ोसी के सामने पिंक नहीं हो रहा, इनफैक्ट क्योंकि इस पड़ोसी के सामने पिंक आ रहा है, तो यहाँ पे आपका जो कलर आ गया वो कौन सा हो गया? पिंक. हुआ कि नहीं? अब चलो सेम चीज जरा इसमें भी एज्यूम करते हैं. क्या था आपके पास हिंट? क्यों के पड़ोसी के सामने पिंक है, अगर मैंने क्यों के पड़ोसी के सामने पिंक यहां पे एज्यूम किया, तो पिंक और रेड के बीच में 2 का गैप, फिर 2 का गैप रखते हुए रेड पॉसिबल ही नहीं है, तो ऑलरेडी गिवन है, तो मतलब इस पड़ोसी की बात हो रही थी, क्यों के पड़ोसी के सामने फेवरेट कलर आ गया पिंक, पिंक की प्लेसिंग यहां हो गई. हो गई कि नहीं? एक बार आप देख लीजिए क्लियरली डायग्राम, एंड आई होप आपका भी अभी तक में यही आंसर आ रहा होगा. ओके, चलो इतनी अरेंजमेंट बना ली हमने,
अब इसी से जुड़ा अब आप और क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो, पिंक और रेड के बीच में 2% का गैप रखना है। ओके, पिंक और रेड के बीच में 2% का गैप, 2% का गैप रेड, मतलब रेड यहाँ पे एक ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं रेड को इस एक्सट्रीम एंड पे रख दूँ। अगर मैंने रेड को इस एक्सट्रीम एंड पे रखा तो टोटल पर्सन 1, 2, 3, 4, 5 बन रहे हैं, ठीक है, पॉसिबल है। पिंक और रेड के बीच में 2% का गैप, अगर मैंने इधर रेज्यूम किया तो 1% ये, एक और आएगा और फिर आएगा रेड, तभी तो पिंक और रेड के बीच में 2 का गैप बन रहा है। लेकिन इस समय इस सिनेरियो में टोटल पर्सन कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 लोग हो रहे हैं, तो क्या ये पॉसिबल है कि मैं पिंक और रेड इधर रेज्यूम करूँ? नहीं, रेड को हम इस एंड पे नहीं ले जा सकते हैं, सो अल्टीमेटली रेड को इसी एंड पे आना होगा। पिंक और रेड के बीच में 2% का गैप, यस, जस्टिफाइड है, क्योंकि पर्सन अभी भी 5 ही हो रहे हैं, विच मीन्स वो 5th मेंबर इधर आना चाहिए। सेम चीज उसमें अज्यूम कर लीजिए, अगर मैंने अज्यूम किया पिंक और रेड के बीच में 2% का गैप, तो 1, 2 और फिर यहाँ पे आएगा रेड। अगर मैंने ये अज्यूम किया तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 लोग हो गए, विच मीन्स कि हमारा ये अजम्पशन, ये प्रेडिक्ट करना गलत हो गया। तो फिर इस साइड आते हैं, पिंक और रेड के बीच में 2% का गैप, तो 2% का गैप विच मीन्स कि यही हो गया जिसका फेवरेट कलर रेड है, और अगर ये रेड हो गया इट मीन्स हमें फॉर्मेट ऐसा मिला 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 5 का अरेंजमेंट बन रहा है, ठीक है। अब रेड के साथ आपके पास एक इंफॉर्मेशन और है, क्या, किसका फेवरेट कलर रेड है, ए का, सो राइट डाउन ए देयर एंड मोर ओवर राइट डाउन ए हियर। लेकिन रेड से जुड़ी एक जानकारी और है आपके पास, रेड के सामने में ना आपको टी को रखना है और ना ही रेड के सामने में आपको आर को रखना है। अब देखो इस हिंट से जरा ग्रैब करो, आप आपको रेड के सामने ना टी रखना है ना आर रखना है, पी क्यू ऑलरेडी हो गया है, पी क्यू, आर रख नहीं सकते, एस बचा है, टी रख नहीं सकते, तो बचा क्या यहाँ अरेंज करने के लिए, सिर्फ एक मेंबर और वो है एस रेड के सामने, तो फिर यही आ पाएगा। अब इसमें भी अज्यूम करिए रेड के सामने, क्योंकि रेड के सामने में ना आप टी को रख पाएंगे ना आप रेड के सामने में आर को रख पाएंगे। ओके, अगर मैं रेड के सामने ना टी को रख सकती हूँ ना आर को रख सकती हूँ, पी और क्यू ऑलरेडी हो चुका है, सो मिसिंग मेंबर इज ओनली वन, दैट इज एस, तो यहाँ पे एस आ गया, ठीक है। हमने इतनी हिंट को सिंप्लीफाई कर लिया। अब इस हिंट के बाद जैसे ही आपने एस का अरेंजमेंट किया, देखिए एस से जुड़ी हिंट, सी सिटिंग एंड पजल में सिर्फ एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, आप हिंट को कितनी इजीली सिंक कर रहे हैं, कितने आराम से सिंक्रोनाइज कर रहे हैं कि इस हिंट के बाद आपको अगली हिंट कौन सी टारगेट करनी है, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इसी के चक्कर में कुछ लोग बहुत जल्दी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कुछ लोगों को समय लग जाता है। पहले आप एक बार इतना सा अरेंजमेंट क्लियरली देख लीजिए, मेरे ख्याल से यहाँ तक की चीज़ें आप सबको क्लियर होगी। अब क्योंकि मैंने एस का अरेंजमेंट कर दिया है तो मुझे अगली इन्फॉर्मेशन कौन सी सिंप्लीफाई करनी चाहिए जो एस से जुड़ी है, और एस से जुड़ी इन्फॉर्मेशन है क्या, आर और एस के बीच में 1% का गैप है, देर इज अ गैप ऑफ 1% बिटवीन आर एंड एस, एस इज एट दिस पोजिशन, गैप ऑफ 1%, सो अल्टीमेटली आई कांट गो दैट वर्ड बिकॉज मेरे पास फॉर्मेट पूरा क्लियर है, सो आई हैव टू कंसिडर आर एट दिस पोजिशन इट सेल्फ, सेम थिंग गोज फॉर हियर, आई हैव टू कंसिडर आर एट दिस पोजिशन इट सेल्फ। ओके, अच्छा, जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे R के प्लेसिंग कर दी, एक ही मेंबर मिसिंग है, P Q R S T, सो वी विल राइट T हियर, P Q R S T इज मिसिंग, सो वी विल राइट T हियर। ओके, अब अगली इंफॉर्मेशन देखो, आपके पास क्या था, वाइट और ग्रीन आमने सामने में है, वाइट और ग्रीन आमने सामने में, मतलब मुझे एक ऐसी लाइन चाहिए जो टोटली खाली हो, सो अल्टीमेटली यही खाली हो रही है, P के सामने यही एक खाली लाइन है ना, इसी लाइन में हम इस व्हाइट और ग्रीन वाली इंफॉर्मेशन को जस्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन एक चीज और क्लियर हो रही, क्या व्हाइट को आप इस रो में रखेंगे या ग्रीन को इस रो में रखेंगे, इस पॉसिबल केस में सोचिए। इसी से जुड़ी जस्ट नीचे एक हिंट और है, क्या कह रही है कि व्हाइट और येलो के बीच में 2% का गैप होगा। अब एज्यूम करो, एक तो व्हाइट और ग्रीन को आमने सामने आना है और व्हाइट और येलो के बीच में 2% का गैप भी होना है। अगर मैंने व्हाइट को यहाँ रखा तो 2% का गैप करके मैं कहाँ जस्टिफाई कर पाऊंगी, विच मीन्स कि यहाँ पे कलर कौन सा आएगा, ग्रीन, और फिर यहाँ पे कलर कौन सा आएगा, व्हाइट। सेम थिंग इसके साथ भी आएगा, अगर मैंने व्हाइट और को यहाँ एज्यूम कर लिया तो
तो दो का गैप रख के ग्रीन के लिए तो मेरे पास जगह ही नहीं है, क्योंकि इस पूरी लाइन में सिर्फ एक ही जगह खाली है. सो अल्टीमेटली आई कांट राइट व्हाइट एट दिस पोजीशन. यहाँ पे मैं व्हाइट नहीं लिख सकती, सो द कलर विल बी ग्रीन. एंड ग्रीन के अपोजिट क्या आ रहा है? व्हाइट. सो सर्टेनली व्हाइट विल बी एट दिस पोजिशन इट सेल्फ. हेयर कम्स व्हाइट. अच्छा, अब फिर से इसी बात पे आते हैं. अब व्हाइट और येलो के बीच में 2% का गैप है. जब हम इस लाइन में आ गए तो अच्छा देखो, इस लाइन का सारा कलर जस्टिफाइड है, इस लाइन का पर्सन, इस लाइन का पर्सन जस्टिफाइड है, इस लाइन का कलर. लेकिन द बेसिक सरप्राइज फैक्टर वॉज दिस कि अभी तक इतना सिंप्लीफाई करने के बाद भी अभी तक दो के दोनों पॉसिबल केस सर्वाइव कर रहे हैं. नॉर्मली क्या होता है, व्हेनेवर वी डू सिंप्लीफाई सच सेटिंग और पजल हैविंग मल्टीपल केसेस, आफ्टर सर्टेन एक्सटेंट वी कुड क्लियरली इलिमिनेट वन केस. हम बहुत इजीली इलिमिनेट कर ले जाते हैं, बट राइट नाउ बोथ आर हैविंग इक्वल कॉम्पिटिशन. अच्छा खासा दो के दोनों केसेस में कॉम्पिटिशन चल रहा है, अभी कोई भी कैंसिल नहीं हुआ है. लेट्स रिज्यूम द फर्दर थिंग. अब क्या कह रहा है, इसी हिंट पे आते हैं. व्हाइट और येलो के बीच में 2% का गैप है, सो सर्टेनली आई कांट गो इन दैट वे. 2% का गैप, सो हियर कम्स येलो. 2% का गैप, सो हियर कम्स येलो. आई एम डन विद दैट हिंट ऑल्सो. आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस हिंट, अब आपके पास हिंट बच क्या रही है? फिलहाल तो बस ये बच रही कि वाइट के बगल में वायलेट को प्लेस नहीं करना है. ओके, अगर मैं इसकी बात करूँ कि वाइट के नेबर वायलेट को नहीं होना है, तो वायलेट ना यहाँ आ रहा है ना यहाँ आ रहा है, एक ही मिसिंग जगह बची है. सो हियर कम्स वायलेट. वाइट के पड़ोसी नहीं होना है, तो मतलब वायलेट यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता. सो एक ही जगह बची है, सो दिस इज वायलेट. ओके ओके, सो नाउ वी आर डन विद दीज मेनी इन्फॉर्मेशन. एंड देयर वॉज सम हिंट विच वॉज इन द लास्ट लाइन, जो कि हमने कहा ये खोने वाली तो है नहीं. सो वी कैन कम टू दिस हिंट आफ्टर सम टाइम, एंड नाउ इट्स द बेस्ट टाइम टू प्रोसीड दैट हिंट. लेट्स सी दैट. क्या हिंट थी? द पर्सन हु लाइक्स वायलेट कलर इज नॉट एन इमीडिएट. ये हम लोग जस्टिफाई कर चुके हैं. ए लाइक्स रेड कलर, ए लाइक्स रेड कलर हमने रख दिया. एंड सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी. ए का फेवरेट कलर रेड है और ये डी के थर्ड लेफ्ट में है, तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूं तो यहाँ पे आ गया डी, तभी तो ये थर्ड लेफ्ट में हो रहा है ए. अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे आ रहा है डी, लेकिन देखिए दोनों में टी के सामने ही है डी और थर्ड लेफ्ट में ए है. यस yes, दोनों में सर्वाइव कर रहा है. इसके बाद एक और हिंट आपकी, बी डज नॉट लाइक ब्लैक कलर. बी का फेवरेट कलर ब्लैक नहीं होगा. अब इनिशियल लाइन में देखिए ए बी सी दो ही मेंबर मिसिंग है, बी का फेवरेट कलर ब्लैक नहीं होगा, सो सर्टेनली सी यहां आ गया और बी यहां आ गया. सेम थिंग गोज फॉर दिस पॉसिबल केस ऑल्सो. बी का फेवरेट कलर ब्लैक नहीं है, सो सी को यहां अरेंज कर दिया एंड बी को यहां अरेंज कर दिया. दिस इज द अनदर पॉसिबल केस जो कि दोनों में जस्टिफाई हो रहा है. आपके पास लास्ट हिंट क्या बताई जा रही है, आर लाइक्स ब्राउन कलर. आर का फेवरेट कलर कौन सा हो रहा है? ब्राउन. आर का फेवरेट कलर कौन सा हो रहा है? ब्राउन. हमने प्लेस कर दिया एंड ओनली वन कलर इज मिसिंग एंड द कलर इज ऑरेंज, विच मीन्स एस का फेवरेट कलर क्या हो गया? ऑरेंज हो रहा है एंड हेंस आर सिटिंग अरेंजमेंट इज सिंप्लीफाइड. पूरा सोल्यूशन एक बार आप खुद देख लीजिए एंड मेरे ख्याल से आप लोगों का भी सेम यही आंसर आ रहा है. बट सी वॉट इज द मेजर डिफरेंस. इस सवाल में हुआ क्या, इस सवाल में दोनों केस एंड तक सर्वाइव करे हैं, विच मीन्स दैट बोथ द केसेस आर करेक्ट. यहाँ पे दो के दोनों पॉसिबल केस सही हैं. आप एक चीज और देखो, देखो सी का फेवरेट कलर ब्लैक है. ओके, सी का फेवरेट कलर ब्लैक है, सामने किसके? क्यू के, जिसका फेवरेट कलर येलो है. अगला आ जाते हैं, नेबर में आते हैं, इनवर्ड. अगर मैं इसमें इधर आ रही हूँ तो मुझे इसमें इधर एज्यूम करना होगा, है ना. डी पिंक सामने टी वॉलेट, डी पिंक सामने टी वॉलेट. देखो ई ब्लू आर ब्राउन, ई ब्लू आर ब्राउन. नेबर बी ग्रीन पी वाइट, बी ग्रीन पी वाइट. ए रेड एस ऑरेंज, ए रेड एस ऑरेंज. कंडीशन दो के दोनों सेम है, दोनों में कोई फर्क नहीं आ रहा है. बस फर्क कितना हो गया है, सिर्फ दाएं और बाएं का. दोनों का अरेंजमेंट एकदम सेम है, बस इसमें ए बी सी डी ई टॉप स्लॉट में थे और इसमें बॉटम पे चले गए. मतलब इसमें साउथ फेसिंग थे और इसमें नॉर्थ फेसिंग हो गए. अब साउथ और नॉर्थ फेसिंग बदल रही है तो अल्टीमेटली राइट और लेफ्ट भी बदल रहा है. अगर यहाँ पे किसी ने आपसे पूछा कि बताइए एस पी का इमीडिएट राइट में कौन है, एस नहीं पी के इमीडिएट राइट में कौन है, अगर मैं ये डायग्राम देख रही हूँ तो पी के इमीडिएट राइट में कौन सा पर्सन आ रहा है? एस. अगर मैं ये डायग्राम देख रही हूँ, एस देखो दोनों में देखना आप, ठीक है, इसके हिसाब से P का इमीडिएट राइट S, करेक्ट. इसके हिसाब से P का इमीडिएट राइट S,
Is there any difference in answer? No, there is no difference in the answer. S का favorite color orange. अगली hint देख लेते हैं. अगर मैंने आपसे पूछा row 2 में एकदम center में कौन बैठा है, तो row 2 में एकदम center में R बैठा है. इसमें भी देख लो, row 2 PQRST वाली है, row 2 में एकदम center में R है. Same answer. Let's see the next one. अगर मैंने आपसे पूछा E के second left में कौन मौजूद है, let's see. E के second left में कौन है और उसका favorite color कौन सा है, देखते हैं. E के second left में A आ रहा है, favorite color R हो रहा है. इसमें देखते हैं, E ये है. E का second left, again same answer. E के second left में A है और A का favorite color क्या है, red है. कोई difference आया? नहीं आया. काउंटर क्वेश्चंस में भी कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है. अगर मैं आपसे ये पूछूं ए के इमीडिएट राइट में कौन है, देख लो, ए के इमीडिएट राइट में कौन है, बी, कलर फेवरेट ग्रीन. उधर में देख लीजिए, ए के, अब राइट तो ये हो गया ना क्योंकि ये साउथ फेसिंग है, ए के इमीडिएट राइट में बी, कलर ग्रीन. सो बेसिकली दोनों अरेंजमेंट से आंसर में डिफरेंसेस नहीं हो रहे हैं, दोनों अरेंजमेंट से आपको सेम आंसर ही मिल रहा है. इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि यहां पे जब भी कभी इंट्रोडक्शन पैराग्राफ ऐसी कोई हिंट देता है, ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि यहां पे अब दो और पॉसिबल केसेस को आप एज्यूम कर लीजिए जिसके चलते चार हो जाएगा. यहां पे दो तो हम एज्यूम कर ही सकते हैं, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, जस्ट बिकॉज ऑफ द गिवन हिंट्स, बिकॉज डायरेक्शन वर अनसर्टेन. लेकिन डायरेक्शन अनसर्टेन थे, बट आपसे जो काउंटर क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें आंसर ईदर में नहीं आने वाला है, सारे आंसर डेफिनेट आने वाले हैं. अगर आपसे ये पूछा जाए ए के डायगनली कौन है, आंसर इज क्यू. ए के डायगनली कौन है, आंसर इज क्यू. यू आर हैविंग द सेम आंसर फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन. आंसर बदलने वाला नहीं है आपका यहाँ पे. एंड आई गेस कि आपको समझ में आ गया कि ये सिटिंग अरेंजमेंट सिंप्लीफाई कैसे हुआ है. ये थी आपके पास काउंटर हिंट्स. और देखिए, हमेशा कोशिश करिएगा जब भी आप सिटिंग और पजल कर रहे हैं तो लास्ट के दो तीन लाइन को सिम्बॉलिकली लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिम्बॉलिकल लिखना कोई रूल नहीं है, ज़रूरत है, ठीक है. और अगर कहीं मेरी ज़रूरत बिना लिखे जस्टिफाई हो रही है तो मैं क्यों राइटिंग में अपना टाइम वेस्ट करूँगी. सेम चीज़ यहाँ पर किस में करी गई है, मैंने लास्ट वाली जो दो तीन लाइन थी आपकी उसको मैंने सिम्बॉलिकली लिखा ही नहीं है. एंड रीज़न वॉज वेरी सिंपल. क्यों? क्योंकि उसको खोने की कोई गुंजाइश नहीं थी कि वो पैराग्राफ में कहीं ना कहीं खो जाएगी. एंड आई होप दैट दिस सिटिंग अरेंजमेंट इज क्लियर एंड यू ऑल आर ऑल्सो गेटिंग द सेम अरेंजमेंट. आप लोगों का भी सेम यही अरेंजमेंट आया है. और इनकेस अगर नहीं आया, सो प्लीज़ गिव वन मोर ट्राई, एक और अटेम्प्ट करिए. एंड आई एम श्योर कि अब आप आंसर निकालेंगे तो आपका आंसर एकदम करेक्ट आएगा. ओके, एंड आई होप दैट यू एंजॉय दिस सिटिंग अरेंजमेंट सेशन ऑल्सो. थैंक्स अ लॉट.